मेरे को नहीं पता कि कुछ हैं, लेकिन हमारे बीच में हैं गुलवेज आलम जी, जो कि ब्रॉन्ज लॉन बनने वाले हैं या सिल्वर अभी उनका होने वाला है। तब मैं उनका थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि गुलवेज आलम जी अपने माइक को अनम्यूट करें। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन सच में बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि आज पांडे सर, और पांडे सर के कोई भी शब्द होते हैं वो दिल को छू जाते हैं और ये फील करा देते हैं कि हम सच में HD बनने के लिए पैदा हुए हैं। और रही बात आपके आज मेरे कि हम इस बिजनेस में क्यों आए थे, कि बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में सिर्फ इतना बताएंगे कि मेरे इस बिजनेस में आने के दो कारण थे। जब इस बिजनेस को हमने देखा था आज से ठीक 5 साल पहले, जून का या मई का महीना था 2017 में इस बिजनेस को देखा था, और देखने के बाद उस समय मेरे पास लगभग 50-60 हज़ार महीने का आ रहा था, तो इग्नोर कर दिया था। और जिन्होंने इस बिजनेस को हम प्लान दिखाया था वो आज इस दुनिया में नहीं है। मिस्टर शैलेश यादव, जो आज उनकी वाइफ मतलब प्रतिष्ठा यादव जी गोल्ड लॉइन है कानपुर से, तो उन्होंने हमें इसका प्रेजेंटेशन दिया था। और 4-5 महीने बस ऐसे ही सब फॉलोअप, धीरे धीरे जो हमारे अपलाइन है उनके द्वारा फॉलोअप चलता रहा। जब हमें 5 नवंबर 2017 में दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला और उस पे हम गए, तो वहां पे हमने देखा टियांसी की जो 22वीं सालगिरह मनाई गई, वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ। फिर ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। फिर कानपुर आना जाना शुरू किया, और यहाँ से एक चीज समझ में आई उस प्रोग्राम देखने पे, क्योंकि मेरा 2016 और 17 के बीच में एक टाइम ऐसा था जब मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ और हम -14.5 लाख रुपए आ चुके थे, और वहां पे ये बताया गया था कि 19,80,000 गोल्ड लाइन बनने पे कार फंड मिलता है। तो मेरा विजन क्लियर हो गया उस प्रोग्राम देखने के बाद कि अगर हम गोल्ड लाइन बन गए यहाँ पर तो ये मेरी जो कर्ज है वो अदा हो जाएगा और हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो पहला मेरा तो यहाँ पे बिजनेस करने का जो पर्पस वो ये था कि मेरा गोल्ड लाइन का टारगेट उसी दिन मेरा बन गया प्रोग्राम देखने के बाद। और दूसरा, ये हमें अस्थमा की शिकायत थी, हमेशा इनहेलर यूज करना पड़ता था सर्दियों में भी, जहां से भी हल्की डस्ट लग गई, सर्दी लग गई तो वो सांस फूलती थी। ये दो बहुत बड़े कारण थे, और तीसरा कारण एक साथ आ रहा था क्योंकि जियो लॉन्च हो रहा था, मेरा वोडाफोन का काम लॉस पे जा रहा था, जहाँ 50-60 हज़ार महीना आता था वहां पे 20-25 हज़ार आने लगा। पार्ट टाइम शुरू किया था 11 जनवरी 2018 को, गोल्ड कार्ड करके पार्ट टाइम शुरू किया, और 11 फरवरी 2018 में अपना प्लेटिनम किया। फिर इसके बाद मई में हमने स्टार 6 किया, 2018 सितंबर में हमने अपना स्टार 7 किया, और दिसंबर 2019 में अपना स्टार 8 किया। इस जर्नी को लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और मेरा टारगेट अब ब्रॉन्ज लॉइन का है, उसकी भी डेट फिक्स है, सिल्वर लॉइन, गोल्ड लाइन। गोल्ड लाइन की हम डेट ओपन करेंगे क्योंकि मेरा फोकस जो है गोल्ड लाइन का है, और 11 नवंबर 2023 गोल्ड लाइन का है। ये एक सफर है, और उसके बाद जो मेरा टारगेट था 19,80,000 पाने के लिए, वो कंपनी की तरफ से अब 37,50,000 कर दिया गया। तो इतनी खुशी होती है जैसे कि किसी की इंगेजमेंट हो गई और शादी होने वाली है, मन में जो लड्डू फूटते हैं वो खुशी महसूस होती है। और उसी खुशी के साथ जब सुबह जगते हैं तो पूरी जोश के साथ में, और फील्ड पे वर्क करते हैं तो उसी खुशी के साथ में कि वो 37,50,000 इंतजार कर रहा है। आज से अगर हम 2 साल बाद ही पहुंचे तो पर डे की इनकम, जो पर मंथ की इनकम हम देख रहे हैं 2 लाख रुपए पर मंथ की मेरी आज से इनकम हो रही है। तो थैंक यू सो मच सफी सर, और हम आपको भी बहुत फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू सक्सेस, ऑल द बेस्ट, गो HD। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच।